नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल एक वीडियो आया राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने क्या कहा जरा सुन लीजिए। काम हम करेंगे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरा, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, वो एक योजना लाए। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जब भी हार का डर सताता है, वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद तमाम सारे चैनल्स ने, अमित मालवी जो आईटी सेल के हेड हैं, इन सारे लोगों ने हल्ला करना शुरू किया। बिगड़े बोल, राहुल गांधी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं। अभी जो बाड़मेर में उन्होंने भाषण दिया, पहले तो ये हुआ कि उस भाषण पर अपना जो चुनाव आयोग है वो खामोश रहा, और जब बहुत सारी शिकायतें की गई तो कहा कि इसमें कोई वायलेशन नहीं है, नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल सकते हैं, उनको पूरी छूट है, वो कुछ भी बोल दें, कोई वायलेशन नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी ने आखिर क्या गलत कहा? क्या मोदी जी झूठ नहीं बोलते हैं? 10 सालों की बात छोड़ दीजिए, 15 सालों की बात छोड़ दीजिए कि गुजरात में उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या वादा किया है, धोलेरा में स्मार्ट सिटी बना रहे थे और क्या क्या किया है, वो सब छोड़ दीजिए। जो वादे नहीं निभाए हैं उनको छोड़ दीजिए। अभी इस चुनाव में लगातार जो उनके भाषण आ रहे हैं, उन भाषणों में कितना झूठ उन्होंने बोला है, सिर्फ अगर उसको आप देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि मोदी वाकई ऐसा लगता है हार से डर रहे हैं। उनको ये चिंता सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार मुद्दों पर वोट पड़ जाए और उसके बाद लगातार झूठ बोलते हुए वही कर रहे हैं जिसमें उनकी मास्टरी है, यानी देश में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण, लोगों को भड़काना, गलत बातें कह के गलत सूचना या अधूरी सूचना देकर तालियां बटोरना, कुल मिला जुला के ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण, ये इकलौता उनके पास हथियार है। और सिर्फ उन्हीं के पास नहीं, उनके आसपास जो लोग हैं उनके पास भी इतना ही और ऐसा ही हथियार है। झूठ के अलावा वो कुछ नहीं बोल सकते। तो आज मैंने सोचा कि जो उनके पिछले दिनों बयान आए हैं, जरा उन कुछ बयानों का फैक्ट चेक कर लेते हैं। सबसे पहला उनका बयान जो आया, वो आया कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों में बांट देगी। मतलब मेरी उम्र के लोग, जिन्होंने कांग्रेस का भी शासन देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी का भी शासन देखा है, देवगौड़ा जी का भी शासन देखा है, चंद्रशेखर जी का भी 40 दिन का शासन देखा है, मतलब 47 से लेके आज तक कब ऐसा हुआ कि किसी एक वर्ग की संपत्ति लेकर दूसरों में बांट दिया जाए? दरअसल कांग्रेस बात कर रही है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इस पर भी कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। मेरे जैसा आदमी हो तो मैं तो कहूंगा कि इस पर पूरा जोर देना चाहिए, लेकिन इस पर जोर नहीं दिया गया है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है, मैं एक लाइन में आपको समझा देता हूं। राहुल गांधी का भी बयान आया है, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया गया इस देश में पूंजीपतियों का, और जब किसानों का लोन माफ करने की बात आती है तो कहा जाता है पैसा नहीं है। आप सोचिए विदर्भ के अंदर कितने किसानों ने इसलिए आत्महत्या कर ली, क्योंकि 10,000-20,000 का जो उन्होंने कर्ज लिया था वो बढ़ते बढ़ते लाखों में हो गया, फसल उनकी बर्बाद हुई और उसके बाद वो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं रह गए तो शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। कभी आपने किसी पूंजीपति के बारे में ये सुना है? आराम से नीरव मोदी पैसे लेकर भाग जाता है, विजय माल्या पैसा लेकर भाग जाता है, गुजरात से जाने कितने कैपिटलिस्ट सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए, और एक आम किसान किसान की बात छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। बैंक से जरा 50,000 का लोन ले लीजिए और 2 महीने किश्तें मत दीजिए, देखिए आपके घर पहुंच जाएंगे। रिक्शे वाले हैं बहुत सारे, कई बार मिलते हैं, रिक्शों पर चलो तो बात होती है उनसे। वो कहते हैं कि सर गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया था,
किश्त नहीं देने पर यह हो गया, किश्त नहीं देने पर वो हो गया, वो सब आप जानते हैं। लेकिन ये जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, अदानी हैं, अंबानी हैं, वगैरह वगैरह हैं, इनका अरबों खरबों का लोन माफ हो जाता है और बैंक खामोश बैठा रहता है, बाद में सेटल हो जाता है, राइट ऑफ कह दिया जाता है। अब मेरा सवाल आपसे है कि पैसा किसके पास होना चाहिए, लोन किसके माफ होना चाहिए, इन रईस जादों के, इन अरब खरब पतियों के, या आम किसानों के, गरीब लोगों के। तो अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो 16,000 करोड़ या उससे भी ज्यादा का लोन माफ हुआ है वो उनसे वसूल कर जनता के लिए खर्च करेंगे, तो इसमें क्या गलत है? लोन लिया है उन्होंने, लोन चुकाना चाहिए, लेकिन चुकाने की जगह सेटल कर दिया जाता है। ये है बीजेपी सत्ता में रहते हुए लोगों की संपत्ति लेकर अपने रईस जादों में बांट रही है, अदानी अंबानी और उनके जैसे लोगों में बांट रही है। अब आता है सवाल मुसलमानों का, क्या वाकई कहीं भी कांग्रेस ने यह कहा है कि लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देंगे? मजेदार बात यह है कि मेरी छोड़ दीजिए आप, सुधीर चौधरी जो गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चेहरा है, उसने भी ये बात ठुकरा दी अपने चैनल पर। उसने एक फैक्ट चेक किया और उसने कहा कि इसमें जो लिखा हुआ है, कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो आया है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, उसमें यह लिखा हुआ है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों। अब अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान नहीं होता, अल्पसंख्यक का मतलब यह होता है जैन, सिख, ईसाई, मुसलमान, सारे लोग जिनकी संख्या, जिन धर्मों की संख्या जो है वो कम है। तो सुधीर चौधरी जब इस बात पे मजबूर हो जाए कि मोदी जी का झूठ पकड़कर फैक्ट चेक करने लगे, तो मेरे जैसे लोगों की जरूरत कई बार कम हो जाती है। काश हमारा गोदी मीडिया ये काम करता तो हमें नहीं करना पड़ता। यानी पहली बात तो ये कि ये जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों में बांट देगी, ये पूरी तरह से झूठ है। ये मोदी का सबसे बड़ा झूठ है इस चुनाव के पहले, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक है, हिंदुओं को भड़काना। ये अलग बात है कि लोग अब इन सब बातों में भरोसा नहीं कर रहे हैं। तमाम चैनलों पर लोगों की बातचीत आ रही है और लोग कह रहे हैं कि रोजगार पे बात होगी, गरीबी पे बात होगी, बाकी सारी चीजों पे बात होगी। ये बकवास चीजें सुन सुन के शायद लोग ऊब गए हैं। और अब आ जाते हैं संविधान पर। बाड़मेर की रैली में मोदी जी ने कहा कि अब अगर बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते। मेरा सवाल यह है कि जिन बाबा साहब अंबेडकर ने अपने खून और पसीने से ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन रहते हुए संविधान सभा के भीतर लगातार मेहनत करके संविधान बनाया था, वो अगर आएंगे तो संविधान बदलेंगे क्यों? वो तो संविधान को और बेहतर बनाएंगे। मोदी जी को यह कहना चाहिए था कि अगर गोलवरकर, सावरकर, हेडगेवार और इस तरह के सारे लोग आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकते, क्योंकि ये वो लोग थे जो भारत का संविधान नहीं चाहते थे, जो ये चाहते थे कि इस देश में मनुस्मृति लागू हो। और संविधान बदलने की बात आई कहां से मोदी जी? किसी कांग्रेस वाले ने नहीं कहा कि संविधान बदलेंगे, किसी आरजेडी वाले ने नहीं कहा कि संविधान बदलेंगे, किसी सपा वाले ने नहीं कहा कि संविधान बदलेंगे, यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या साउथ की किसी पार्टी ने, डीएमके या किसी भी और पार्टी ने, उनके किसी सांसद ने, उनके किसी मेंबर ने एक बार नहीं कहा है कि संविधान बदलेंगे। आपके अपने एमपी, आपके अपने उम्मीदवार लगातार ये कह रहे हैं कि 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। लल्लू सिंह कह रहे हैं जो अयोध्या से आपके प्रत्याशी हैं, अनंत हेगड़े कह रहे हैं जो आपके एमपी रह चुके हैं, अरुण गोविल कह रहे हैं जो रामायण में राम का रोल किया था जिन्होंने, और अब मेरठ से आपके प्रत्याशी हैं, तो आपके लोग कह रहे हैं कि 400 पार अगर होगा तो संविधान बदल दिया जाएगा। आपके लोग लगातार ये बात कह रहे हैं, लगातार ऐसे व्हाट्सएप आ रहे हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि संविधान बदलना जरूरी क्यों है। दरअसल संविधान आप दो वजहों से बदलना चाहते हैं। पहला तो ये कि यह आरक्षण वगैरह जितना भी सब कुछ गरीबों के लिए, आम जनों के लिए है, ये सब हटा के सारी संपत्ति अपने प्रिय रईसों को आप दे सकें।
और दूसरा यह कि पुतिन की तरह बाकी जगहों के लिए खुद को जिंदगी भर के लिए प्रधानमंत्री घोषित कर सकें। ये दो वजहें हैं जिसकी वजह से आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र वगैरह तो सिर्फ मामला है, मुसलमानों को तो सिर्फ निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों के आड़ में काम यह किया जाता है कि इस देश की सारी संपत्ति इस देश के गिनती के रईसों के पास पहुंचा दी जाती है, जो फिर चुनावी बांड खरीद के बीजेपी को चंदा देते हैं, जिनसे उनके आलीशान ऑफिस बनते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये दूसरा झूठ है कि संविधान बदलने की बात कोई और कर रहा है, संविधान बदलने की बात आपके लोग कर रहे हैं। और एक और बात, आपके अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि चुनाव के जोश में जबान फिसल जाती है। मेरा पूछना है कि चुनाव के जोश में किसी और पार्टी की जबान क्यों नहीं फिसलती, और अगर जबान फिसल गई है तो एक आज जिन्होंने ऐसी बातें कही हैं उनको पार्टी से सस्पेंड कर दीजिए, उनका टिकट वापस ले लीजिए। जनता को भी लग जाएगा कि आप ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करते हैं। हकीकत यह है कि आप अभी से माहौल बना रहे हैं, ये भी ध्रुवीकरण के लिए है, लोगों को ये बता रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसलिए संविधान बदलना है हमको, इसलिए 407 सीटें हमें दे दो, और इस तरह के व्हाट्सएप लगातार लोगों के पास पहुंच रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरह के व्हाट्सएप कहां से आते हैं। अब तीसरा झूठ, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लगता है कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं। इस देश में राम की पूजा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी भी आज जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके पैदा होने से सैकड़ों बरस पहले से हो रही थी। अकबर का शासन था, मुगल सम्राट अकबर का शासन था जब गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, और रामचरितमानस लिखने के लिए तुलसीदास को कोई सजा नहीं दी गई। अकबर ने उनको अपने दरबार में बुलाया था, नहीं गए तुलसी तो भी उनको कोई सजा नहीं दी गई। तुलसी के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ था तो उस जमाने के पंडे पुरोहित खड़े हुए थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने राम कथा आम जनभाषा अवधि में लिखकर रख दी थी, जिससे अनपढ़ गवार आदमी भी, किसान भी, खेतिहर भी राम कथा से परिचित हो सके। और उस समय से लेकर आज तक राम कथा लगातार चल रही है। मोदी कहते हैं राम का नाम लेने से डर रहे हैं कांग्रेसी। जिस कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी ने गोडसे की गोली खाने के बाद हे राम कहा हो, जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी रोज अपने भजन में राम को याद करते हो, उस पार्टी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि राम का नाम लेने से वो डरते हैं। अरे छोड़िए कांग्रेस को, इस देश में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है मोदी जी जो किसी भी व्यक्ति को राम का नाम लेने से डरा दे। ना कांग्रेस की औकात है, ना आपकी औकात है, ना दुनिया में किसी की औकात है कि एक भारतीय व्यक्ति को राम का नाम लेने से डरा दे। हिंदुओं को छोड़ दीजिए, मुसलमान भी राम का नाम इस देश में बड़ी इज्जत से लेते हैं, इमाम हिंद कहते हैं उनको, और आप कह रहे हैं राम का नाम लेने से डर रहे हैं कांग्रेसी। दरअसल उनका एक बयान है कि देश में राम मंदिर बन गया लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध कांग्रेस ने किया, और जो लोग गए उनको कांग्रेस से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। झूठ, बिल्कुल झूठ, सबसे बड़ा झूठ। मैं आपको बताता हूं कांग्रेस के कौन सारे लोग गए राम मंदिर के दर्शन के लिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय गए वहां पर दर्शन के लिए, अखिलेश प्रताप सिंह जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो गए दर्शन के लिए, अभी देवरिया के लोकसभा से वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो गए। तस्वीरें हैं, जनता देख रही है, जिसमें वो लोग गए और उन्होंने आराम से सरयू जी में डुबकी लगाई, राम मंदिर का दर्शन किया, लौट आए, उनको किसी ने नहीं निकाला। जो पार्टी चेंज करने के लिए इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं जैसे गौरव वल्लभ, मुझे खास तौर पे इसलिए याद आते हैं कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे तो कई बार इतिहास से जुड़े सवाल पूछने के लिए मुझे व्हाट्सएप किया करते थे। मैं बता रहा हूं आपको कि सनातनी वनातनी कुछ नहीं है, वो सिर्फ झूठ है। अगर उनकी हिम्मत थी और अगर उनको आजमाना था तो गए होते राम मंदिर का दर्शन करने के लिए, उसके बाद अगर कांग्रेस उनको निकालती तो माना जाता। एक फर्जी बाबा है प्रमोद, जो पहले मुसलमानों के बीच में भाषण देकर उनका नेता बनने की कोशिश करता था,
लगातार फर्जी बयान देता था, उसने यह आरोप लगाया, उसको पार्टी ने निकाल दिया। क्यों नहीं गया वो, किसी ने रोका? और मैं कह रहा हूं गौरव वल्लभ तो आज तक नहीं गए हैं, अब तो पार्टी छोड़ दी है, चले गए होते किसी ने रोका था। बिल्कुल गलत बात है। उस समय का कांग्रेस का बयान आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने इसको एक पॉलिटिकल कार्यक्रम बना दिया है, राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है, हम उनके आमंत्रण पर नहीं जाएंगे। और एक और बात है, कांग्रेसियों से बड़ा सवाल कर रहे हैं आप, जरा शंकराचार्यों से सवाल कर लीजिए, जिन शंकराचार्यों ने यह कहा था कि यह प्राण प्रतिष्ठा का पूरा जो कार्यक्रम है वो गलत है और शंकराचार्य इस कार्यक्रम में नहीं गए थे। राम मंदिर आपने बनवाया और फटाफट पूरा किए बिना, अभी वो पूरा नहीं हुआ था, आपने प्राण प्रतिष्ठा करा डाली सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए। और जब आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए करा रहे हैं और ऐसे करा रहे हैं कि इस देश की राष्ट्रपति जो महामहिम होती हैं उनको भी आपने नहीं बुलाया, तो किसी और से सवाल पूछने का आपको कोई हक नहीं है। और यह बात बिल्कुल झूठ है कि जाने वालों को कांग्रेस ने निकाला था, चाहे वो निर्मल खत्री जी हों, चाहे वो अजय राय जी हों, चाहे अखिलेश प्रताप सिंह जी हों, या और भी बहुत सारे कांग्रेस नेता गए राम मंदिर में, उन्होंने दर्शन किया, बनवाया भले आपने है, मंदिर का श्रेय भले आप लूट रहे हैं, लेकिन राम इस देश के जनमानस में बसे हुए हैं। हम बहुत छोटे बच्चे थे तब से हम लगातार राम को देख रहे हैं, राम की पूजा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कैसे घर घर में रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था। ये अलग बात है कि जो लोग रामचरितमानस का पाठ करके मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की प्रेरणा दिया करते थे, उनको आपने गालीबाज आईटी ट्रॉल बना के रख दिया है, जो दिन रात औरतों को मर्दों को घटिया से घटिया गंदी से गंदी गाली दिया करते हैं। राम आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस देश की आत्मा में शामिल हैं, आपकी पार्टी उनकी पार्टी नहीं है, वो सबके हैं। आप कहते हैं जो राम को लाए हैं, आप क्या राम को लाएंगे? आपके आपके पिता के, उनके पिता के, उनके पिता के, उनके पिता के जोड़ते चले जाइए, इन सब के जन्म से पहले से राम यहां हैं और हमेशा रहेंगे। मतलब हद ये हो जाती है कि मोदी जी कहते हैं कि वो आपको हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे। मैं यहां पर सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मुझे एक आदमी कोई बता दे जिसको कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका गया है। और यहां पर एक और बात, रामचरितमानस पर आधारित जो सीरियल रामायण रामानंद सागर ने बनाया था, जिसमें राम की भूमिका करने वाले अरुण गोविल अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए हैं, वो किसके टाइम में रिलीज हुआ था? उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस सत्ता में थी। अगर रामचरितमानस को रोकना होता, अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकना होता, तो उसको रिलीज ही नहीं होने दिया गया होता, लेकिन वो रिलीज हुआ, चौराहे चौराहे घर घर में देखा जाता था, और कभी किसी ने किसी को न रोका। न रोकने का कोई मतलब है, ये सब शुद्ध झूठ है, एकदम झूठ है, जिसमें मोदी सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां हिंदुओं के विरोधी हैं। माफ कीजिएगा मोदी जी, जितने हिंदू आपको वोट देते हैं उससे ज्यादा हिंदू इस देश की सारी विपक्षी पार्टियों को वोट देते हैं। ये इस तरह की बात करना आपको शोभा नहीं देता, ये एक और झूठ है जो आपने बोला है। आगे आप बोलते हैं कांग्रेस शहरी नक्सलियों के कब्जे में चली गई है, अर्बन नक्सली टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारा कुछ किसने बनाया है? आपने बनाया है। और जब बाकायदा पूछा गया, आरटीआई डाली गई कि भाई ये टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, कोई जवाब नहीं आया। संसद में पूछा गया तो कह दिया गया कि सरकार ऐसे किसी टुकड़े टुकड़े गैंग को नहीं जानती है। यानी ये फर्जी नामावली, चाहे वो अर्बन नक्सल हो, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, ये सब आपका बनाया हुआ। और इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग तो वो हैं जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को बांट दिया, जिन्होंने मणिपुर के अंदर कुकी और नगा को बांट दिया, 6 महीने से लगातार हिंसा चल रही है और उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की, जिन्होंने हाथरस में एक बेटी के साथ वो सारा कुछ हुआ और उसके बाद भी खामोशी, एकदम खामोशी अपने जबान पर, अपने होंठ पर लगा ली, वो बांट रहे हैं समाज को जातियों में। और इसका ही असर है कि चाहे वो गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, आपने समाज को ऐसा बांट दिया है कि ठाकुर छत्री जो हैं वो आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो टुकड़े टुकड़े गैंग तो वो हैं जो सिखों को, जो सबसे ज्यादा
बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़ते हैं, सबसे ज्यादा सेना में भर्ती होते हैं, सिखों को कह देंगे खालिस्तानी हैं, मुसलमानों को कह देंगे पाकिस्तानी हैं, किसान जब आएंगे तो किसानों को कह देंगे ये नक्सली हैं। आपने बांटा है इस समाज में, जिसमें जो भी आपके मुखालिफत करे, जो भी आपके खिलाफ खड़ा हो, उसको आप एंटी नेशनल कह देते हैं। लोकतंत्र में ये नहीं होता है, लोकतंत्र में बाकायदा विरोधी भी होते हैं, पक्ष भी होता है, और सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार होती है। तो यह भी एक झूठ है जिसमें आप शहरी नक्सली और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी बात कर रहे हैं। एक और बयान है जो एकदम स्पेशल टाइप का झूठ है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है, पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ और कड़े फैसले लेने जा रही है। पिछले 10 साल में जो कार्रवाई हुई है वो ट्रेलर है, अभी बहुत बड़ा होने वाला है। ट्रेलर क्या है? अभी कल ही एक ट्रेलर आ गया। अजीत पवार, जिनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहा था स्वयं नरेंद्र मोदी ने, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है इस बार, उनकी पत्नी के ऊपर 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था, कल उनको क्लीन चिट दे दी गई। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला जो कर रहे हैं मोदी जी, सबसे कड़ा फैसला कर रहे हैं, वो ये कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आओ, भ्रष्टाचार से मुक्ति पाओ। एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल व्यक्ति मुझे बता दीजिए जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। मैं आपको लाइन लगा दूंगा ऐसे लोगों की जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, जांच चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी में आए और उनकी सफाई हो गई। कांग्रेस ने एक बड़ा सुंदर सा वीडियो इस पर जारी किया था, देखिए वो वीडियो और खुद समझिए कि यह वॉशिंग मशीन में क्या हो रहा है। तो भ्रष्टाचार के मामले में वैसे भी मोदी जी इस बार बहुत कम बोल रहे हैं और जितना बोल रहे हैं सब झूठ है। इस सरकार के समय भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ईडी, सीबीआई, इन सब का उपयोग सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को निपटाने के लिए किया गया है। मीट, मछली, मांस को लेकर प्रधानमंत्री विपक्ष पे कहते हैं कि मुगल मानसिकता है, इसका लंबा जवाब नहीं दूंगा। रामनवमी का दिन था, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनकी तस्वीर आती है जिसमें वो नागपुर का प्रसिद्ध सावजी मटन खा रहे हैं। और मांस खाने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी से कभी बाहर नहीं रखा गया है। एक बार गोलवरकर साहब से पूछा गया, बाकायदा उनकी किताब में है ये, उनसे कहा गया कि नॉनवेज को लेकर आपका क्या है, तो बोले नॉनवेज से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता नॉनवेज खाते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपके सावरकर जी जब जा रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे, अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा है कि उनको प्लेट में मछली और मटन परोसा गया। उनकी समस्या मछली और मटन नहीं थी, उनकी समस्या सिर्फ इतनी थी कि कांटे और छुरी से उनको मछली और मटन कैसे खाया जाए, तब तक नहीं आता था। गांधी जी का जो किस्सा अक्सर सुनाया जाता है, झींगा बन रहा था, गांधी जी ने कहा मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, तो सावरकर के यहां झींगा बन रहा था, यानी सावरकर झींगा खाते थे। यहां तक कि गाय को लेकर सावरकर ने जो लिखा है वो कोई भी ढंग का हिंदू लिख ही नहीं सकता। उन्होंने लिखा है कि गाय जो होती है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो गधा होता है। ऐसी तमाम सारी बातें हैं गोहत्या को लेकर जो सावरकर ने की है। उस सावरकर का गुणगान करेंगे आपके अपने सांसद गिरिराज जो हैं, गिरिराज शरण सिंह जो वहां के बेगूसराय के सांसद हैं, वो हिंदू मीट की दुकानों की बात करेंगे और आप मांस पर मटन पर यहां भाषण देंगे। कमाल है मोदी जी, आपके ये जो भाषण हैं इनको अगर कोई और लिखने वाला है तो उसको सलाम, और अगर आप खुद लिखते हैं फिर तो कहना ही क्या है। और इसके आगे वो कहते हैं कि कांग्रेस हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन लेगी, और क्या आप चाहते हैं कि इन्हें अधिक बच्चे पैदा करने वालों को बांट दिया जाए। दो पॉइंट है इसमें, पहली बात तो यह कि हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। डिंपल यादव ने एक बड़ा मजेदार पॉइंट उठाया था, उन्होंने पूछा था कि पुलवामा में जो इतने लोग शहीद हो गए, और सिर्फ इसलिए शहीद हो गए क्योंकि उनको जमीन के रास्ते भेजा गया, हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया, ये जो शहीद हैं इनकी पत्नियों के मंगलसूत्र किसने छीने थे। सवाल ये भी है कि महामारी जब चल रही थी, कोविड जब चल रहा था, सरकार की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और 60,000 करोड़ के गहने भारतीय महिलाओं ने कोलैटरल में गिरवी रखे थे, तो ये गहने कौन छीन रहा था।
सवाल यह भी है कि बैंकों के अंदर लॉकर में गहने रखे जाते हैं, लॉकरों की जो लागत है, कीमत है, जो उसका किराया है, उसको लगातार बढ़ाया क्यों जा रहा है। बेकार की बात करते हैं आप, मतलब मंगलसूत्र की आप बात करते हैं। प्रियंका गांधी का बयान आया ही था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी दादी ने चीन के युद्ध के पहले सोना दान किया था और मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हो गया। मंगलसूत्र, पहली बात तो ये बता दूं, कोई अखिल भारतीय चीज नहीं है। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में मंगलसूत्र महिलाएं धारण करती हैं जो सुहागन महिलाएं होती हैं, लेकिन जिस इलाके से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश और बाकी सारी जगहों पर मंगलसूत्र का कोई कल्चर नहीं रहा है। अब फिल्मों वगैरह को देखकर लोग मंगलसूत्र पहनना शुरू कर रहे हैं। मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक के रूप में हमारे यहां देखा जाता है। मंगलसूत्र का मतलब होता है कि पति जीवित है, इस रूप में देखा जाता है। इसको, इस पर क्वेश्चन करके, इस लेवल तक जाकर मोदी जी क्या साबित करना चाहते हैं। और इसका दूसरा हिस्सा, अधिक बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठियों को सौंप दिया जाएगा। क्या मुसलमान अधिक बच्चे पैदा करते हैं? भारत सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो एक सर्वे कराती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और इस सर्वे में रिजल्ट दिए जाते हैं कि फर्टिलिटी रेट्स किसकी बढ़ रही हैं और घट रही हैं। फर्टिलिटी रेट पर ही सारा कुछ डिपेंड करता है कि किसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है। फर्टिलिटी रेट में, एक सेकंड में आपको समझा दूं कि मां और बाप मिलकर दो लोग होते हैं। अगर दो लोग दो बच्चे पैदा कर रहे हैं, यानी फर्टिलिटी रेट जो है वो 2 है, तो माना जाता है कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है। 2.1 को बेहतर माना जाता है, क्योंकि कई बार बच्चों की बचपन में डेथ भी हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि दो लोगों ने मिलकर दो बच्चों को पैदा किया, जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। अगर 2.1 से ज्यादा होता है तो माना जाता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। जो पिछला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है वो बताता है कि पिछले 20 सालों में, दो दशकों में, अगर किसी एक धार्मिक समुदाय की फर्टिलिटी रेट सबसे तेजी से गिरी है तो वो मुसलमान है। यानी मुसलमानों की आबादी बढ़ नहीं रही है, घट रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि लगभग स्थिर है। यानी एक बात तो बिल्कुल तय है कि मुसलमान हिंदुओं से अधिक बच्चे नहीं पैदा कर रहे। लेकिन अब एक बना दिया गया है, RSS बहुत लंबे समय से इस कहानी को, इस तमाशे को चलाया जा रहा है, तो लोगों के बीच में यह भाषण दिया जाता है। तो यह जो बयान है उसका, उसके दोनों हिस्से झूठ हैं। पहली बात तो ये कि कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में कहीं भी इस तरह की बात नहीं लिखी गई है कि हिंदुओं से सोना लेकर मुसलमानों में बांटा जाएगा, एकदम बकवास। और दूसरी बात यह कि मुसलमान जो है वो अधिक बच्चे पैदा करने वाले नहीं है। घुसपैठियों पर तो क्या ही कहा जाए। जिन मुसलमानों के बाप की, उनके बाप की, उनके बाप की कई पीढ़ियों की कब्रें इस जमीन में गड़ी हुई हैं, वो घुसपैठिए हो गए। कमाल है मोदी जी, कितना बांटेंगे इस देश को, कितने टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे। आखिरी बात जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। मोदी जी कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की सफलता है कि इससे लेन देन में पारदर्शिता आई। इतनी बहसें हो चुकी हैं कि इसको झूठ कहने के लिए बहुत लंबी बात करने की भी जरूरत नहीं है। बाकायदा कोर्ट के अंदर मोदी जी के जो वकील थे उन्होंने कहा था कि जनता को यह जानने का कोई हक नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज किससे चंदा लेती हैं। वो तो भला हो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उसका फैसला आया और उसके फैसले के बाद लोगों को पता चला कि किससे कितना पैसा लिया गया था। लोगों को पता चला कि जिसके बयान से केजरीवाल जेल में हैं उस आदमी से भी 55 करोड़ रुपए लिए गए थे। पैसे लेकर लोगों ने इधर इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, उधर लोगों को बाकायदा प्रोजेक्ट मिले। इधर ईडी सीबीआई वगैरह पहुंची, छापा पड़ा, उधर बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। यह सारा कुछ पता तब चला जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओपन किया। और शर्म की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस चीज को गैर संवैधानिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बता रहा है, उस चीज को दोबारा लागू करने की बात आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी कर रही हैं। यह भी बड़ा मजेदार है कि निर्मला सीतारामन जी के जो पति हैं वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड, और निर्मला सीतारामन जी कह रही हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो इसको दोबारा लागू करेंगे। तो यह बिल्कुल झूठ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो लेन देन में पारदर्शिता के लिए लाया गया था, ये वसूली के लिए लाया गया था, जैसा राहुल गांधी कहते हैं कि सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। अब आखिरी बात जो उन्होंने कल कही कि कांग्रेस
मां बाप से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस टैक्स का। दरअसल कांग्रेस के ओवरसीज के जो प्रेसिडेंट हैं, मुझे समझ में नहीं आता है वो इस तरह के बयान क्यों देते हैं। उन्होंने एक बातचीत में कहा कि अमेरिका के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स लागू है। उनका कहना है कि उस बयान में उन्होंने भारत की कोई बात नहीं की थी, और भारत की बात जब देखनी होगी तो कांग्रेस का घोषणा पत्र देखेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी विरासत यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स की बात नहीं है। अमेरिका में जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो भी पूरे अमेरिका में नहीं है, कुछ स्टेट्स ने, कुछ राज्यों ने अपने यहां इनहेरिटेंस टैक्स लगाया हुआ है। तीन बातें कहकर मैं ये बात खत्म कर दूंगा। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी में वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री रहे जयंत सिन्हा का बाकायदा बयान है, जिस बयान में उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की सहमति दी है, इनहेरिटेंस टैक्स का समर्थन किया है। और उस जमाने में अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने भी इनहेरिटेंस टैक्स का समर्थन किया था, ट्वीट किया था उस जमाने में। कल जब हल्ला हुआ तो वो ट्वीट डिलीट किया, लेकिन तब तक लोगों के पास स्क्रीनशॉट आ चुका था और वो ट्विटर पर वायरल हो गया। कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र में इनहेरिटेंस टैक्स की कोई बात नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अपने वित्त राज्य मंत्री और इस समय के आईटी सेल के हेड इसका समर्थन कर चुके हैं। यानी मोदी जी जो ये इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं ये भी झूठ है, ये सैम पित्रोदा के बयान को मिसकोट करके दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो सोचिएगा कि राहुल गांधी ने क्या गलत कहा कि जब जब मोदी डरते हैं वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये कोई बीमारी है झूठ बोलने की या फिर कोई टैक्टिस है, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन एक सवाल आपके सामने जरूर रख के जा रहा हूं कि आप बताइए कि क्या देश के प्रधानमंत्री को इतना ऐसा और लगातार झूठ बोलना शोभा देता है? अगर देता है, आपको लगता है कि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं झूठ बोल के, तो जो करना हो करिए, और अगर लगता है कि ये गलत है तो फिर सोचिए कि आपके हाथ में इस झूठ को रोकने की क्या ताकत है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।